में और है कि अल्लाह तआला ने जो कायनात को बनाया है उस कायनात का मकसद यही है कि अल्लाह तआला अपनी जात को पहचानने के लिए और अपनी जात का किरदार दिखाने के लिए इस जगह को बनाया है। जैसा कि हदीस से सुन्नी में आता है उनको बंधन मक्फियत का आगा को जमा हमारे ये कायनात के पैदा किए जाने की दुनिया में तो इस पहचाने जाने के लिए उस पहचानने की तालीम भी देना जरूरी था। सबसे पहले तो उसकी रुबूबियत को मनवाना था। 180,000 पैगंबर आए, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह के वचन को बुलंद किया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, पूरी कायनात के लिए नबी बनकर आए और आपने कलमे हक को बुलंद फरमाया। अब इस कलमे हक के बुलंद होने के बाद में इस ला इलाहा इल्लल्लाह की जो दुनिया में जो शक्ति है वो ये चाहती है कि मैं पहचाना जाऊँ, तो उसकी तालीम देने के लिए उसके राज को खोलने के लिए अल्लाह ताला ने आज की रात को मुकर्रर फरमाया। और जैसा कि अभी आपने सुना पेशो मुकर्रमीन से कि मूसा के पास जिब्रील नहीं आते थे, रात कलाम होता था, उसी तरह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील तो आते थे लेकिन जिब्रील के जरिए से सिदरतुल मुंतहा की अर्श मौला पर बुलाकर अल्लाह ताला ने जो कलाम किया जो बातें की वो आगे आप करता चलूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्तिराहत फरमा रहे थे तो अल्लाह ताला ने अपने बंदे को कहा ना कि अपने रसूल को कहा, सुभानल्लज़ी अस्रा भी रसूल ही नहीं कहा भी नबी ही नहीं कहा बल्कि भी अब्दी ही कहा। अब्दियत का मुकाम रिसालत और नबुव्वत से वाला था है और जो मुकर्रबान इलाही होते हैं परवरदिगार उसको अब्दियत के मुकाम पर फायज फरमाता है। तो इस अब्दियत के मुकाम पर फायज फरमाकर अल्लाह ताला ले जा रहा है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अल हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ ताकि दिखा दे आज की रात देखने पर मबनी है, देखने पर दलालत करती है। जो लोग ये कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु को दीदार नहीं हुआ, अरे अल्लाह खुद कह रहा है कि ली नूरिया हूँ ताकि दिखा दे, देखने के लिए बुलाया गया है ना कि छुपाने के लिए, आया करने के लिए बुलाया है ना कि निहा करने के लिए। अल्लाह ताला ने जब जिब्राइल को फरमाया कि जन्नत को आरास्ता किया जाए, दोजख को बंद किया जाए, अजाब उतर दिया जाए, बूढ़ों को सजदे से चढ़ने के लिए हुक्म दिया गया और इस्राफील को सूर से रोक दिया गया, अल्लाह ताला ये फरमाता है कि जिब्राइल जाओ और जाते जाते जन्नत से खुराक ले जाओ। भी आपने खुराक की तारीफ सुनी, उसकी रफ्तार सुनी, लेकिन यहाँ पर अर्ज करने का एक मकसद है कि जब खुराक के इंतजाम के लिए जिब्राइल जन्नत में पहुंचे तो हर खुराक तक रहा था जिब्राइल को कि मुझे ले जाए, मैं आना चाहता हूँ ये कह रहे थे। सबसे अल्फाज यही थे कि मैं आना चाहता हूँ, अल्लाह ताला को मैं पसंद नहीं है। अल्लाह ने फरमाया है जिब्राइल उस कोने में जो खुला सर को झुकाए हुए आजीजी और इनके जाने के साथ खड़ा है उसका इंतजाम किया जाए, वो मेरे नबी की सवारी बने। तो अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस गुलाब को लेते हैं जो सर नींबू किए हुए बारगाह इलाही ने आजीजी और इनके सारी के साथ खड़ा हुआ था, क्योंकि बारी ताला की जात रहती है इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्लाना, बेशक अल्लाह फरमाता है कि बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरी अना के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो उसकी अना के सामने किसी की अना टिकने वाली नहीं है और सब फना ही फना होने वाले हैं। जैसा कि सूरह रहमान में अल्लाह फरमाता है कुल्लू मन अलैहि रब्बी का सुल जलाल व इकराम, तो अल्लाह ताला उसी को पसंद करता है जो उससे इंतजारी देता रहता है।
तो इस तरह से साड़ी वाले घोड़ा को खत्म किया गया और उसको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बनाया गया। जब आप हमें हाजी के मकान की छत खुल गई रफतन आदि आपके पिछले पायर, तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए और अभी आपने सवाल किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुस्सा किए उस जंगल से आप बेदार हुए। मकान में गौर है कि बेदार होने के बाद आप गुलाब पर सवार हुए और मस्जिद अक्सा की जानिब चले और आपने जब इस्तेमाल फरमा रहे थे तो जो लोग ये कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह बशर है, अगर हमारी तरह बशर होते तो उठने के बाद वजू करके गुलाब पे बैठते, लेकिन आपने उसी हालत में गुलाब पर सवार होकर सफर मस्जिद अक्सा शुरू किया। तो इससे ये जाहिर होता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह के बशर नहीं है। इस वास्ते कि जब हम सोते हैं तो हमारा वजू टूट जाता है, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करवाते हैं तो आपका वजू बरकरार रहता है। एक मरतबा एक सहाबी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, एक शख्स ने ये कहा है कि आप ईशा के बाद में आराम फरमाए, फिर उसके बाद में जैसे ही आप बेदार हुए फिर फजर की नमाज की आपने इमामत फरमाई और वजू नहीं किए। उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आम तुम्हारी तरह बशर नहीं हूँ, मेरा वजू कायम होता है और जब मैं सोता हूँ तो मेरी आंखें सोती हैं और सब होशियार रहता है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल हमारे तरीक़त बनकर इमाम मंजी अलैहिस्सलाम के तैरे की जिंदगी का अमल बना। आप हर फकीर के नाक के पास इमाम अलैहिस्सलाम कान ले जाकर सुनते और फरमाते कोई जिक्रुल्लाह में है तो बहुत अच्छे हैं और अगर जिक्र से काफिल है तो फरमाते के शरीयत में सोना ममनू है, आप पैदा हो जाए। तो ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था और आपका जो अमल था उसको मसीह अलैहिस्सलाम ने जिंदा फरमाया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वजू पर सवार था कि गुलाब पर सवार हुए और वहाँ से आप मस्जिद अक्सा की जानिब तशरीफ ले गए। जब मस्जिद अक्सा में आप तशरीफ ले गए तो वहाँ पर 180,000 पैगंबर की आपने इमामत फरमाई। आप देखिए के तौरात में अल्लाह ताला ने एक आयत नाजिल फरमाई, वो ये थी कि या मूसा मल्लम युमने भी अहमद मिन जमील मुर्सलीन वलम तक्दिर कानत हसनतहु मरदूदतन अलैह व मनअतुहु जिद्दुल हिकमा वला अदखिल फी कल्बि नूरिल हुदा वलहक़ु इस्मुहु मिन नबुवा। यानी ऐ मूसा, जो कोई नबी व मुर्सिल तमाम जमीन मुर्सलीन में से अहमद पर मोहम्मद पर ईमान नहीं लाएगा और उनकी तस्दीक नहीं करेगा तो मैं उसके कल्ब में हिदायत का नूर दाखिल नहीं करूँगा, उसके नेक अमल को मजबूत कर दूंगा और हिकमत के हिस्स की अमान में नहीं रखूंगा और यह न सिर्फ ये बल्कि नबुवत के दफ्तर से उसका नाम मिटा दूंगा। तो ये इसको कहा जा रहा है तमाम अंबिया व मुर्सलीन के मुताबिक है कि जो कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबी व मुर्सिल ईमान नहीं लाएगा तस्दीक नहीं करेगा तो उसका ऐसा अंजाम होगा। तो उस ईमान के कल्ब को ऐनुल यकीन में बदलने के लिए और तस्दीक आदम नबीन के लिए अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले जाने से पहले मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया और मुर्सलीन को सब पता खड़ा कर लिया था और जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी इमामत करवाई और उस इमामत के बाद में सबों ने आपको देखा और तस्दीक की के यही खातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो आप भला बताइए कि तौरात की जो आयत थी अल्लाह ताला ने उसको पूरा कर दिखाया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आ
आप देखिए कि मूसा की उम्मत क्या कलमा पढ़ती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत क्या कलमा पढ़ती है, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नबीउल्लाह। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत क्या कलमा पढ़ती है, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम कलीमुल्लाह। इस तरह से तमाम अंबिया की उम्मतें ये कलमा पढ़ती हैं। लेकिन तमाम अंबिया मिलकर उस रात में आज की रात में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने लगे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंदी है। आप देखिए अस्रा के माने सीढ़ी के हैं और सीढ़ी पे बुलंदी पर जाते हैं। सीढ़ी बुलंदी पर जाने का एक दरिया होती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत के मुकाम से विलायत के मुकाम की तरफ ले जाया जा रहा है। और यहाँ पर यह बात जाहिर हो रही है कि अल विलायत मेरी नबुवत से मेरी विलायत अफजल है। इतनी अफजल हुई, इतनी अफजल हुई कि आप पक्का ना साहब पहुंचे नहीं और जनाब मुकाम तक पहुंचे और अल्लाह ताला से बहुत बहुत इंतहाई करीब करीब हो गए आप। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आलम में बरकत की सैर कर रहे थे तो बेशुमार वाकया थे और सैकड़ों वाकया थे आलम बरकत के। छूटकरों के ताल्लुक से है, छूट बोलने वालों के ताल्लुक से है, नेकोकारों के ताल्लुक से है, बदकारों के ताल्लुक से है, शराबियों के ताल्लुक से है, जानी के ताल्लुक से है। हर हर शख्स का जो कि उम्मत मोहम्मदिया में अमल होता है उसी तरह के आलम बरकत में आपको मनाजिर दिखाए गए। आज वक्त की कमी दामन कशे बयान है तो उस तमाम तफसीलात को बयान करने से हम हासिल हैं इस बात से कि वक्त ज्यादा हो चुका है। और मुख्तसर से वक्त में जैसा कि समुंदर को खुलने में समाया जा सकता है उसी तरह से मुख्तसर से अल्फाज में आज की रात की फजीलत को अर्ज करना है। तो आइए देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद अल-हराम से मस्जिद अक्सा पहुंचे, फिर वहां से बैतुल मुकद्दस से आपको आलम बरकत की सैर हुई, फिर वहां से आज पहला आसमान दूसरा आसमान इस तरह से सातों आसमान आप उबूर करते हुए सिदरतुल मुंतहा पहुंचे। आपने बेशुमार वाकया सुने हैं तरीके से और तफसीलात से सुना है। आप देखिए जो साइंसदान आज साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है तो जमीन से आसमान तक का फासला किसी ने नहीं नापा। एक सैयारे से दूसरे सैयारे का जो सोलर सिस्टम में है, एक जो हम जिस सोलर सिस्टम में हम रहते हैं उस सोलर सिस्टम के जितने प्लैनेट हैं उनके डिस्टेंस को नापा गया है। लेकिन ऐसे सैकड़ों सोलर सिस्टम कायनात में मौजूद है और आसमान की बुलंदी और आसमान की मसाफत और उसका डिस्टेंस किसी ने आज तक कैलकुलेट नहीं किया है। इस वास्ते के वो इंतहाई दूर है पहला आसमान, उसके बाद उससे दूर दूसरा आसमान है, उससे दूर तीसरा आसमान है। इस तरह से सातों आसमान कितनी बुलंदी पर है इसका अंदाजा लगाना बशरी कुव्वतों के बारे में। उसके बाद सिदरतुल मुंतहा आता है। आप देखिए सिदरतुल मुंतहा आ चुका, जिब्रील अलैहिस्सलाम वहां पर रुक गए और अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह अगर मैं एक बार बराबर भी यहां से आगे बढ़ूं तो मेरे पर जल जाएंगे, क्योंकि तजलियात का ऐसा फरोख है यहाँ पर अल्लाह की तजलियात का कि जिसको मेरे पर बर्दाश्त नहीं कर सकते और ये मेरी हद है, मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता। जो लोग ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह बशर हैं तो उनके लिए है ये बात कि क्या एक आम बशर जिब्राइल को देख सकता है, क्या उनसे बात कर सकता है, नहीं कर सकता। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए तो रसूल करीम ने आपसे सलाम किया, फिर आपको साथ ले गए। तो रसूल सल्लम बशर नहीं है इसका मतलब ये हो गया। तो अगर कोई ये कहे कि चलो फरिश्ते से फरिश्ता बात करता है, फरिश्ते को फरिश्ता देखता है, तो वो लोग दिल पर अगर ये मान लिया जाए कि रसूल सल्लम फरिश्ते हैं और फरिश्ते के साथ जा रहे हैं, आप फरिश्ता भी नहीं है। इस वास्ते कि सैयदुल मलाइका जिब्रील रुक रहे हैं सिदरतुल मुंतहा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे जा रहे हैं, तो इससे यह मालूम हो गया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बशर हैं ना मलक हैं, बल्कि
आपको जाना वो क्या है कि मिश्रा तो मसाबी ने हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रसूल अकरम से अर्ज किए जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु कि या रसूलल्लाह आप हमको बता दीजिए कि अल्लाह तआला ने सबसे पहले क्या माना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अव्वल मा खलक अल्लाहु नूरी सबसे पहले अल्लाह तआला ने मेरे नूर को बनाया। तो इस हदीस शरीफ की रूह से यह जाहिर हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बशर है ना मलक है बल्कि आप नूर ही नूर हैं। और नूरे जाती ने नूरे जाती बनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहां में तशरीफ लाए और उस जाते अकरस ने जिसके के नूर आप हैं उसने आपको सलाम फरमाया है तो सबसे अकरम आया और आप उस पर सवार होकर आगे बढ़े और खुदा की बात आकर पहुंच गए। आप देखिए कि वो क्या हाजो नियाज है जो जमीन से बाला कर आसमानों से बाला कर सिदरत उल मुंतहा से बाला कर अर्श मौला पर पहुंचने के बाद भी ताना कुर्सी हो रही है, साफ आवाज में बात नहीं की जा रही बल्कि ताना कुर्सी हो रही है। कोई राज की बात होती है तो दो अशखास मजमे में से आगे जाते हैं और एक दूसरे के कान में कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है ऐसी बात है। तो अल्लाह ताला दुनिया और हमा बिहा से आसमानों से अर्श सिदरत उल मुंतहा से भी अर्श मौला पर अपनी बारगाह में बुलाकर जो राज व नियाज की बात कर रहा था वो राज व नियाज क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात में मैंने तीन किस्म के उलूम हासिल किए। परवरदिगार आलम ने मुझे तीन किस्म के उलूम अता किए। एक इल्म वो है जो शरीयत है, दूसरा इल्म वो है जो शरीफत है जो इसके अहल से मैंने उसको दे दिया और तीसरा वो इल्म है जो इल्म को मैंने किसी को उसका हामिल ना पाया, किसी को उसका हामिल ना पाया, किसी को किसी में ये दर्द नहीं देखा कि उसको बर्दाश्त कर सके तो मैंने खुद हजम कर लिया। और वो ही इल्म को सिदर अलैहिस्सलाम को बतौर अमानत देकर ये फरमाया कि जब वजीरे खोपड़ी में मेहदी आ जाए तो उनको अदा कर देना। ये वही इल्म है तालिबुल एहसान का जिससे जीदार इलाही होता है। इमाम अलैहिस्सलाम को जो नेमत उज़्मा अता हुई हमारे लिए मेरा किस्म इंतहाई मुतबरिक है। विश्वास है कि आज की दी हुई खास नेमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महदी अलैहिस्सलाम पर मौकूफ फरमाई और महदी अलैहिस्सलाम ने सारों सासुख नियामत तक इसको आम फरमा दिया और वो आम होकर के साथ है। विश्वास है कि वो तालीब मौला को दी जाती है ना कि गैर तालीब को दी जाती है। आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नेमत उज़्मा आज मिली एक तो नमाज की नेमत है। आपने अभी सुना रहमतुल्लाह खान साहब चौकी ने 45 नमाजें फर्ज हुई फिर 5 नमाजें फर्ज हुई तो 9 बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। जब उनके गुफ्तगू को सुन रहा था तो नासिर के जहन में ये बात आ रही थी। उन्होंने कहा कि 9 बार गए और 45 नमाजें माफ हो गई तो 9 को 5 से जब गलत दिया जाता है तो 45 होता है और उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा नुकता है तो मेरे जहन में 9 और 5 के बीच में एक नुकता आ गया तो वो 905 हिजरी बना। इमाम अलैहिस्सलाम के दावे मौकत का आपने ये फरमाया कि इस जात का जो इनकार करेगा वो मोमिन नहीं है और इस जात का जो इकरार करेगा वो अल्लाह ताला की जात को ही जान दे सकता है। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने ये तालीम उनको दी है हमको मुझसे मिल गया है उसकी सदर नहीं। आइए देखिए आज की जो नेमत है नमाज की नेमत और तालीमुल एहसान की नेमत ये दो जो नेमतें हैं एक दाहिनी है और एक बातिनी है उसको अर्ज करके मैं अपनी जगह लूंगा। आप देखिए कि अल्लाह ताला ने हमको कलाम करने की सलाहियत अता की थी
जिससे हम काम कर रहे हैं ये दबा नहीं। आप अगर किसी ईएमटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो थ्रोट का जो स्ट्रक्चर होता है उसको देखिए, आप दबा की साफ तौर जो बनावट है वो देखा से साहिनी। यूं तो जो लोग गूंगे होते हैं उनके भी जबान होती है लेकिन कहने से खातिर होती है। तो साफ तौर बनावट जो है वो जाहिर नहीं है और उसके कलाम करने की जो सलाहियत है वो नेमत है बाकी। उसी तरह से हमारे कान है, कान का जो स्ट्रक्चर है जो साफ तौर बनावट है वो जो है नेमत है जाहिरी है। और जो लोग बहरे होते हैं उनके भी कान होते हैं लेकिन सुनने से खातिर होते हैं। तो सुनने की सलाहियत नेमत बातें ही है। और जैसे हमारी आंख है, आप एक ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं आई स्पेशलिस्ट के पास तो आंख की साफ सुथरी भी होती है और मुख्तलिफ उसके अज्जा के नाम लिखे हुए होते हैं। तो आप देखिए कि आंख का जो गोला है जो आई बाल है वो नेमत जाहिरी है। यूं तो नाबीना अशखाद को भी अहवाल होता है लेकिन देखने की सलाहियत नहीं होती। लेकिन जो हमारे देखने की सलाहियत है वो नेमत बातिनी है। तो अल्लाह ताला ने हमको नेमत जाहिरी और बातिनी से सरफराज करवाया है, उसका हम शुक्र अदा करते हैं। इसी आईने में आज की रात में जो नमाज की नेमत अदा की गई है वो नेमत जाहिरी है और इसी नमाज में अल्लाह का जिक्र जो होता है वो नेमत बातिनी है। हमारे ही शहर में एक जिंदा मिसाल है हजरत जिंदगी ने शाह इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत की कि आप बगैर दीदार इलाही के रजा नहीं बनते थे। तो आज की रात में जो नेमत मिली उसी नेमत को पेश नजर रखते हुए हजरत जिंदगी ने शाह कसीम रहमतुल्लाह अलैह को, हजरत जिंदगी ने शाह कुतुब रहमतुल्लाह अलैह को या शाह इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह को, ये ऐसे मासूम ने खुदा थे जो बंदगा ने खुदा थे, हम इनको बंदगी मियाँ कहकर क्यों मुखातिब करते हैं। अल्लाह ताला ने सुभान अल्लज़ी असरा भी अब्दी ही का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो नबुवत को अब्दियत के मुकाम तक ले गया और अब्दियत नबुवत के सच्चे में विलायत के सच्चे में जो बाअमल बुजुर्गान नबी थे अल्लाह ताला ने उनको भी अब्दियत के मुकाम पर फायज किया है। उसी अब्दियत के मुकाम की मुनासिबत से हम उसको हजरत बंदगी मियां कहकर उसका नाम नामी इसमें गिरामी लेते हैं। तो ये ऐसे बंदगाने खुदा थे जो बारगाही इलाही के मुताबिक थे, अर्श मौला तक इनकी रसाई थी। आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज की रात में दीदार की नेमत जब आपने हासिल की तो अल्लाह ताला से आपने अर्ज किया कि बारिय ताला मेरी उम्मत को भी ये नेमत अता हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये नमाज का तोहफा है, ले जाओ और उम्मत से ये कह दो अन्ना का तराहू। तो इबादत ऐसी कर जैसे तो अल्लाह को देख रहा है, अगर ये कैफियत पैदा ना हो तो ये जान कि वो मुझे देख रहा है। तो आज की रात अल्लाह के दीदार के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया उसकी रात है। जो लोग ये कहते हैं हजरत जो अहमदी हजरत ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा जो भी अल्लाह को नहीं देखा, इससे बड़ी बदकिस्मती की बात और कुछ नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने देखने के लिए बुलाया था। वो ये कहते हैं कि जिब्राइल को देखे अल्लाह को नहीं देते, तो मैं आज करता चलूँ कि अल्लाह ताला के रसूल अल्लाह के बंदे हैं या जिब्राइल के बंदे हैं, आप फैसला कीजिए कि किसके बंदे हैं। अल्लाह ताला ने जब काना कुसी हुई अर्श पर उसको सूरह नजम में फरमाया कि ओहरा इला अपनी ही बनवाओगा, बस वही की अपने बंदे को जिसने करनी थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने बिला वास्ते जिब्राइल के वही फरमाई और वास्ते जिब्राइल को इसने हटाया कि तालिमुल एहसान की खबर फरिश्ते को भी नहीं होती। तालिमुल एहसान वो तालिम है जिसकी खबर फरिश्ते को नहीं होती। तो फरिश्ते को हटाकर अल्लाह ताला ने मूसा को सवाल करने पर आमादा किया था कि रब्बी अरिनी अंज़ुर इलैक, सलाम सुनाकर और फरिश्ते को हटाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाया कि आप इस दीदार की नेमत को आम फरमाइए और ये फरमा दिया कि इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना व रज़ू बिल हयात अद्दुनिया व मा अन्तुम बिहा व अल्लज़ीना हुम आयातिना ग़ाफ़िलून व उलाइका मा'अहुम नारु बिमक़ामि यस्कुनून। जो अल्लाह के दीदार की तलब नहीं रखेगा वो आग समा रहा है और आग नहीं जाने वाला है। तो आज की रात परवरदिगार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेमत का दीदार अदा किया और मूसा अलैहिस्सलाम
हम बात जो आपको देख रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं और आ रहे हैं, तो मूसा ने सिफा की तजल्ली देखकर अपने हल्के असर में ये ख्वाहिश जागो नहीं कर ली थी कि मैं सिफा की दीदार में तो हफ्तार बन गया। जब सिफा से दाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसल्लुक से सिफा के दाद को देखते जाते और वो पीछे जाते थे रुजूबियत के जरिया, तो जैसी ये कहते थे कि और पांच नमाजें माफ करवा के आओ और पांच नमाजें माफ करवा के आओ, इस तरह से रुजूबियत के दीदार थे परवरदिगार के दीदार दाद के हिजाब के दीदार थे। मूसा अलैहि सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से देख रहे थे, इस वजह से कि अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम को इसीलिए सिफाती दीदार कराया कि दीदार रात वह वसीले फादे में नबी मुसलमान हो सकता है, जबकि मूसा अलैहि सलाम खास तौर पर देखना चाहते थे, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम हुसैन अलैहि सलाम के वसीले के बगैर दीदार रात मुमकिन नहीं है। ये ऐनी हकीकत सुनाते आज की रात में जो पीर की शक भी है, ऐसी ही शक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में पहुंचे थे और आपने अल्लाह का इशारे में हिजाब किया। हम खुशकिस्मत है कि उम्मत मुहम्मदिया में पैदा हुए और कौम महदविया में पैदा हुए, कौम महदविया में मजे रसूलुल्लाह ने ऐसी तालीम दी है। आप देखिए कि मूसा को कोहे नूर पर नालायन उतार के जाने का था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं नालायन के हज पे मौला पर अल्लाह तआला ने बुलाया, गोया के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श को फर्श बना दिया और मजे रसूलुल्लाह ने दीदार को आम करके फर्श को अर्श बना दिया।